हेलो कमांडो कैसे हैं सब सब बढ़िया पढ़ाई हो रही है चलिए ठीक चलिए हम लोग पढ़ रहे थे देख रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और अभी तक हम लोगों ने देखा स्पर्मेटोजिनेसिस के बारे में डिस्कस किया था आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द फीमेल गैमेटोजिनेसिस एंड दैट इज़ कॉल्ड दू जिनेसिस तो ओ जिनेसिस में होता क्या है तो ओ जिनेसिस में जैसा कि हम लोग देखें कि स्पर्मेटोजिनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो ठीक उसी तरीके से इन साइड द फीमेल बॉडी द फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ओजिनेसिस सो द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओजिनेसिस और ये भी हम लोग देखेंगे कि इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिनेसिस टेक प्लेस आफ्टर द बर्थ

So, उसी समय उसमें ओजिनेसिस मतलब प्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो चुका होता है सो इट इज रिटेन डेवलपमेंट स्टेज एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ देर इज नो एनी मोर ओगोनियम्स आर फॉर्म्ड मतलब कि जो भी बनना है वो एम्ब्रॉयिक कंडीशन में एम्ब्रॉइनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही फॉलिकल्स बन जाते हैं लेकिन आफ्टर बर्थ उसमें किसी तरीके का फॉलिकल्स फॉर्मेशन नहीं होगा ठीक है एंड दिस ओ जिनेसिस कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज डेट इज मल्टीप्लीकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज एज वी हैव डिस्कस इन दिस परमेटोजिनेसिस, सेम वही कंडीशन इसमें भी देखने को मिलेगा ओ जिनेसिस में भी देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको फिर से डायग्रामेटिकली देखेंगे डायग्रामेटिकली देखने से क्या होता है कि हम लोग को जो माइंड होता है फ़ोटोजेनिक माइंड होता है और फोटोजेनिक माइंड होने के कारण उसको हम लोग बहुत ही आराम से उसको समझ सकते हैं क्योंकि माइंड जो देखता है वो उसको जल्दी कैप्चर करता है ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखते हैं। उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या हो चीज़ें होती है तो देखिए तो पहला क्या बदला है कि ये जो ओ होता है वो एम्ब्रॉनिक कंडीशन में डेवलपमेंट होता है मतलब बिफोर बर्थ अब बिफोर बर्थ में क्या क्या होगा तो जिस तरीके से स्पर्माटोजिनेसिस में स्पर्म को प्रोडक्शन करने वाला जो सेल्स था स्टेम सेल्स था उसको स्पर्मेटोगोनियम बोले थे ठीक इसी तरीके से एक का प्रोडक्शन ओभम का प्रोडक्शन जो करने वाला है ड्यूरिंग ऊ उसको हम लोग उगोनियम सेल बोलते हैं एंड दिस इज स्टेम सेल तो इसमें क्या होगा इसमें माइटोसिस होगा माइटोसिस होगा तो दो सेल बनेगा एक सेल रह जाएगा फॉर द फ्यूचर एज ए प्रिकर्सर सेल द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और जो दूसरा सेल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट्स बोल दिए और इस प्राइमरी ओसाइट में माइटोसिस होने के बाद उसका फिर ग्रोथ पीरियड होगा बढ़ेगा साइज बढ़ेगा बट 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 यहां पर वो जो सेल है वो हॉल्ट हो जाता है रुक जाता है इसमें डिवीजन रुकता किसमें है तो माइटोसिस के बाद म्योसिस जब स्टार्ट होता है तब ये रुक जाता है म्योसिस वन और म्योसिस वन में भी स्पेशली प्रोफेस वन और प्रोफेस वन की यहाँ बात जो कर रहे हैं प्रोफेस वन की भी स्पेशली अगर बात करें तो वो डिप्लोटीन स्टेज में हॉल्ट कर जाता है डिप्लोटीन स्टेज ठीक है जहाँ तक हम लोग जानते हैं क्या कि म्योसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस दैट इज म्योसिस वन एंड म्योसिस टू म्योसिस वन कंटेंस फोर फेजेस दैट इज प्रोफेस वन मेटाफेस वन एनाफेस वन एंड टीलोफेस वन तो प्रोफेस वन जो होता है प्रोफेस वन में भी पांच स्टेजेस होते हैं दैट इज लिप्टोटिन जैगोटीन पैकेटिन डिप्लोटीन एंड डाइकानेसिस तो उसमें जो प्रोफेस वन की जो बात कर रहे हैं अगर एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये डिप्लोटीन फेज में हॉल्ट कर जाता है रुक जाता है ठीक है तो ये प्राइमरी ओसाइट्स जो है वो प्रोफेस वन के डिप्लोटीन फेज में हॉल्ट क्या हो रहता है अब बच्चा लिया जन्म अच्छा यहां पर जो सेकेंड डायग्राम के तरफ हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि यहां पर देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स की बात कर रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है तो जब प्राइमरी ओसाइट्स प्राइमरी ऊसाइड्स के चारों तरफ कुछ सेल्स किसके सेल्स ग्रैनुलोसा सेल्स ग्रैनुलोसा सेल एग्रीगेट करते हैं तब वो बना देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स जहाँ हम लोग ओवरी डिस्कशन कर रहे थे ओ डिस्कस कर रहे थे वहां पर मैं बताया था ठीक है तो अब बच्चा जन्म लिया आफ्टर चाइल्ड बर्थ देखे चाइल्डहुड हो गया चाइल्ड बर्थ हो गया तो वो जो इनएक्टिव फॉर्म में प्राइमरी ओसाइट्स था अब वो जब प्यूबर्टी एज गेन करेगी तब क्या होगा कि उसमें प्यूबर्टी एज गेन करेगी मतलब कि फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्की एंड स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज तो अब हर मंथ में एक एक ओवम बनना शुरू होगा कैसे एक बनेगा ये भी ध्यान रखिएगा एक बनेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग चार स्पर्म्स का फॉर्मेशन देख रहे थे तो अब क्या होता है कि इसमें जो प्राइमरी ओसाइट्स है वो जो हॉल्ट हो गया था प्रोफेज वन में किसमें डिप्लोटिन स्टेज में वो कंप्लीट होगा ठीक और कंप्लीट होने के बाद दो सेल बना एक छोटा सेल बना और एक बड़ा सेल बना छोटा सेल को हम लोग बोल दिए पोलर सेल तो अब यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो डिवीजन हुआ दैट इज फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो वो कैसा हुआ अन डिवीजन हुआ अन कहने का मतलब एक स्मॉल सेल बना दैट इज कॉल्ड पोलर बॉडी एंड द अदर सेल इज कॉल्ड द सेकेंडरी ओसाइट्स और यही सेकेंडरी ओसाइट्स हम लोग देखे थे कि ग्रेफियन फॉलिकल्स जब मेच्योर फॉलिकल्स होता है उसको ग्रेफियन फॉलिकल्स बोलते हैं तो ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज आउट होता है ठीक है ठीक है सेकेंडरी उस रिलीज हुआ अब यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना इसमें म्योसिस टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है तो अगर म्योसिस हुआ तब दो सेल बनेंगे क्योंकि ये सेल छोटा है तो वैसा ही बनेगा सेल तो जो वो दो सेल बनेंगे वो डिजेनरेट कर जाएंगे और अगर नहीं हुआ तब तो कोई बात नहीं वैसे भी डिजेनरेट कर जाएगा ठीक है ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि अब उसका जो सेकेंडरी ओसाइट्स जो रिलीज हुआ है मतलब ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ तो ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होने के बाद हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि यह सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज हो गया ठीक अब जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं किन्नी को याद है कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम से बोल जाते हैं बच्चे लोग ठीक तो अब ये जो ओव्यूलेशन हुआ सेकेंडरी बाहर रिलीज किया तब ये कहाँ जाएगा अब पहुंचेगा फाइलोपियन ट्यूब में और फाइलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद वहां स्पर्म आएगा और होगा फर्टिलाइजेशन तो अब क्या होगा कि जैसे ही स्पर्म इंटर करेगा जैसे ही स्पर्म कॉन्टैक्ट में आएगा ओभम के कॉन्टैक्ट में आएगा फर्टिलाइज करेगा तब वहां पर क्या होगा म्योसिस टू कंप्लीट होगा ठीक है तो यहां पर देखिए लिखा है कंप्लीटेड ओनली इफ स्पर्म पेनेट्रेट्स अकर पेनेट्रेट करेगा अंदर जाएगा तभी म्यूसिस टू कंप्लीट होगा और म्यूसिस टू कंप्लीट होने के बाद क्या है म्योसिस टू क्या है म्यूसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस दो सेल बनेंगे और दो सेल बनेंगे तो फिर एक छोटा सा सेल बनेगा अनिकवल डिविजन होगा और एक बड़ा सेल बनेगा और यहाँ पर जो बड़ा सेल बना दैट इज रियल ओवम वो ओवम का प्रोडक्शन करेगा और जो छोटा सेल बना दैट फॉर्म्स द सेकेंड पोलर बॉडी तो अभी तक क्या देखे कि हम लोग तीन पोलर बॉडी यहाँ पर बनता है ठीक और एक ओवम बनता है ठीक है तो इस तरीके से ये ऊजिनेसिस होता है तो चलिए हम लोग इसको ये भी एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके का डायग्राम है पर इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से समझेंगे कि यहाँ क्या हुआ उगोनियम उगोनियम में माइटोसिस डिवीजन हुआ दो सेल बनेंगे और फिर ये म्योसिस वन होगा म्योसिस वन कंप्लीट होगा म्यूसिस वन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी बना जो कि डी जेनरेट कर सकता है नहीं तो फिर म्योसिस टू कंप्लीट होगा और सेकेंडरी उ तो यहां पर देखिए म्योसिस वन को हम लोग क्या बोलते हैं म्योसिस वन इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि यहाँ पर जो सेल है डिप्लॉइड कंडीशन में है डिप्लॉइड कंडीशन मतलब टू सेट्स ऑफ या टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो अब यहाँ पर म्योसिस वन कंप्लीट होगा तब यहाँ पर म्योसिस वन कंप्लीट होने के बाद रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद जस्ट ये हाफ हो जाएगा तो मतलब ये हाफलाइड कंडीशन हो जाएगा ठीक तो म्यूसिस वन इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन ठीक तो इस तरीके से यहां दो सेल बन गए और ठीक उसी तरीके से जब सेकेंड म्यूसिस होगा कंप्लीट तो सेकेंड सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और ओबम बन जाएगा और ये ओबम कर जाएगा किससे न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म लेकिन अब यहां पर यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ म्यूसिस टू पोलर बॉडी डिसइंटीग्रेट ठीक है डिसइंटीग्रेट कर जाएगा एंड लिव ओनली वन ओट इट्स डेट मैच्योर इन टू ओबम वो ओबम में तैयार होगा लेकिन अब यहां पर जो ओबमे मैच्योर होकर जायोट का फॉर्मेशन करेगा फ्यूज कर तो जायोट फ्यू से क्या हो जाएगा डिप्लॉड कंडीशन हो जाएगा ठीक टू एन नंबर में हो जाएगा ठीक है कहा से एक आएगा स्पर्म से हाफ क्रोमोजोम नंबर और एक आएगा ओवम से हाफ क्रोमोजोम नंबर और ये दोनों बनकर ट्वेंथ कंप्लीट कर देगा जैगोसिटी मेंटेन कर दिया ठीक तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एग और ये एग कितने तरह का होता है तो ये एग ऑन द बेसिस ऑफ यॉक और ये योक को हम लोग क्या बोलते हैं यॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटिलस और योक का, का काम क्या है तो यॉक सप्लाई करता फूड किसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को द फंक्शन ऑफ यॉक इज टू सप्लाई फूड मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्बरियो प्रेजेंस ऑफ यॉक की बात करते हैं उसके आधार पर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग दर्स्ट इज कॉल्ड द माइक्रोलेसिथल एग माइक्रोलेसिथल एग माइक्रो एज द नेम इंडिकेट माइक्रो मीन वेरी लिटिल वेरी little okay so sometimes this microlecithal is also called as alecithal a means absent a means absent so in this type of egg the yolk amount is very much less or almost absent so the egg are also small in size. and since this uh, yolk is present in very much little amount, so this type of egg is also known as oligo as oligo means small, little. okay? so you have to remember the at least example of this type of cells. so example of this type of cell is amphioxus, human, सी अर्चिन बट यहाँ पर एक और बात बताने वाली होगी कि यहाँ पर अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर पूछ दे कि ह्यूमन्स में किस टाइप का एक प्रजेंट है माइक्रोलेसिथल है कि मेजोलेसिथल है कि ओलिगोलेसिथल है कि टीलोलेसिथल है तो वहाँ पर तो हम लोग लगा देंगे माइक्रोलेसिथल लेकिन अगर वहीं एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एम्स મે સ્પેશિયલી પૂછેગા કે વો દોનો ઓપ્શન રહેંગે માઈક્રોલેસથલ ભી રહેંગે એન્ડ એલએસથલ ભી રહેંગે તબ વિચ વન ઇસ મોર કરेक्ट તો મોર કરेक्ट આન્સર બિલ બી એલએસથલ હ્યુમન્સ એક જો હોતા હૈ ઉસમે કિસી તરીકે કા કોઈ ભી યોક નહીં રહેતા ઠીક હે તો ધ્યાન દેજીયેગા અકોર્ડિંગ ટુ ક્વેશ્ચન વો આપકો ડીલ karna hai ઠીક હે તો ચલીએ હમ લોગ સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ એગ ઇઝ કોલ્ડ माइक्रो मेजोलेस्थल एज मीन्स मॉडरेट मॉडरेट मीन्स नॉट लिटिल मच एंड नॉट इन एक्सेस अमाउंट तो उसके बीच में प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड द मेजो सो इन दिस टाइप ऑफ एग यॉक इज मॉडरेट और सॉरी दिस इज मॉडरेट ओके एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज मीडिया लेसिथल एग और इसका एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल शार्क लंग फिश गेनोइड फिश अच्छा ये गैनोइड फिश क्या है जरूर इसको सर्च करिएगा चलिए बता देते हैं ये जो गैनोइड फिश है एंसेस्टर मतलब बहुत एंशियंट फिश है एनशियन फिश और इसका जो स्केल्स इसके बॉडी के ऊपर पाया जाता है दैट कंटेंस बोनी स्केल्स ठीक है और वो शाइन बहुत ज़्यादा करता है तो उसको गैनोइड फिश है तो मेज, मेजोलेसिथल का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया शार्क हो गया लंग फिश हो गया एंड फिश हो गया अच्छा यहां पर डायग्राम देखिए माइक्रोलेसिथल में एक और नाम जुड़ा हुआ दैट इज आइसोलेसिथल उसी तरीके से मेजोलेसिथल में टीलोले तो हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे ठीक है ना सो द थर्ड टाइप ऑफ एग इज नॉन एज माइक्रोलेथल और माइक्रोलेस्थल का मतलब क्या हुआ माइक्रोलेस्थल माइक्रो मतलब क्या होता है ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रजेंट और मोर अमाउंट को हम लोग जैसे कम को ओलिगो बोलते हैं तो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको पॉली भी बोलते हैं तो पॉली लेसिथल भी इसको बोला गया तो माइक्रोलेस्थल इज ऑल्सो नॉन एज लेसिथल। इन दिस अमाउंट ऑफ यॉक इज लार्ज एग्जाम्पल ऑफ दिस माइक्रोलेस्थल और पॉलीलेब हम लोग बात करेंगे क्या है? क्या है? उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक मतलब की यॉक किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किसी पोलर बॉडी के सेंटर में प्रजेंट है उसके आधार पर हम लोग एक को फिर से तीन पार्ट में डिवीज़न करके पढ़ते हैं दैट इज होमोलेसिथल और होमोमीन्स क्या होता है होमोजीनियस इन नेचर होमोजीनियस मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है और सभी जगह को हम लोग बोलते हैं आइसो भी बोलते हैं तो होमोलेसिथल इज ऑल्सो नॉन एज आइसोलेसिथल एग इन दिस egg yolk is uniformly distributed and its best example is human and many invertebrates okay and the second type of egg is central Centro, as the name indicate central so the egg is concentrated in the interior and in the center example of this central is insect

इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है एम्फीबियंस एंड बर्ड्स सो दिस एग्जाम्पल इज ऑफ बर्ड्स दिस डाइग्राम सोर्स बर्ड्स अच्छा जब भी आप अंडा खाते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर जो सेंटर वाला जो पोर्शन रहता है येलो पोर्शन वो कंडेंस्ड हो जाता है बॉयल अंडा अगर खाते हैं तो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है ठीक तो ये जो सेंटर वाला पार्ट जो प्रेजेंट है तो ये क्या देखते हैं कि एक तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में वाइट पोर्शन रहता है और वाइट पोर्शन एक्चुअली है क्या दैट कंटेंट्स द एल्बोमिन तो एल्बोमिन क्या आता है इधर ज्यादा प्रजेंट है और जिधर कम रहता है वो थिन एल्बोमिन हो गया तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि थिन एल्बोमिन थल्बोमिन दिस इज यॉक ठीक तो इस तरीके से हम लोग एक के बारे में डिस्कस कर लिए मतलब उजिनेसिस भी डिस्कस कर लिए एंड एस्परमेटोजिनेसिस भी कर लिए तो अब उन दोनों में कंपेरेटिव स्टडी भी देख लेते हैं क्या क्या कुछ चीजें चेंजेस होता है और क्या क्या चीजें होता है उसके लिए कंपेरेटिव स्टडी देख लेते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं द कंपेरिजन बिटवीन एस्परमेटोज एंड ओजिनेसिस चलिए जो पहले पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करते हैं क्या स्परमेटोजिनेसिस टेक्स प्लेस इन टेस्टिसनेसिस में तीन फेजेस देखने को मिला था क्या क्या एक मल्टीप्लिकेशन फेज एक ग्रोथ फेज और दूसरा मैचोरेशन फेज इन द सेम केस ओ में भी हम लोग देखे थे कि वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन फेज होता है ग्रोथ फेज होता है और मैचूरेशन फेज होता है अच्छा ये स्पर्मेटो में हम लोग क्या देखे थे कि स्पर्मेटो में क्या देखे कि म्योट्रिक जो डिविजन हुआ म्योसिस वन और म्योसिस टू डेट आर इक्वल डिविजन वेयर एस ओ में क्या देखे म्योसिस वन कम्प्लीट हुआ तो दो सेल बने एक छोटा और एक बड़ा मतलब डिवीजन अनईक्वल हो गया सो मियोटिक डिवीजन इज अनुअल सॉरी दिस इज अनुल ओके एट द एंड ऑफ मियोटिक टू फोर स्पर्मेटिड्स आर फॉर्मड इन दिस स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन वो में क्या देखे एक ही एक बना बाकी तीन तो पोलर बॉडी बन गए थे तो so, वन टू अब क्या देखे किसिस में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ लेकिन स्पर्मेटोजिनेसिस में किसी तरह का पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ ठीक फिर स्पर्मेटोजिनेसिस में हम लोग देखे ग्रोथ फेज इज इनसिग्निफिकेंट वहां पर चूंकि जैसे ही प्यवर्टी एज गेन करता है और उसके बाद फिर स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है ठीक लेकिन वहीं पर अगर हम लोग ओ की बात करते हैं तो फिर क्या देखें कि बच्च ये ऊ जो स्टार्ट होता है इन केस ऑफ एम्ब्रॉडरी स्टेज और वो प्यूबर्टी एज तक वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं मतलब वहाँ पर जो ग्रोथ फेज होता है वो सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट इज इस्पर्मेटिट्स अंडर गो स्पर्म्योजिनेसिस टू बिकम फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ इन द केस ऑफ स्पर्मेटोजिनेसिस क्या उसमें स्पर्मेटोजिनेसिस में देखा था कि जो लेट स्पर्मेटिट्स है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू स्पर्म्योजिनेसिस के थ्रू मैच्योर स्पर्मेटिट्स बनापरमेटोजोआ बना था दैट इज कॉल्ड द स्पर्म्स लेकिन वो जिनेसिस में ऐसा कि कोई भी चेंजेस मेटामोजिनेसिस नहीं देखने को मिला था ठीक तो इस तरीके से हम लोग देखें और क्या देखें कि एसपरमेटोजुआ आर इज स्मॉल एंड इलोंगेटेड बट ओबम इज राउंड स्फेरिकल और लार्ज इन साइज एज इन द केस ऑफ ओज़ीनेसिस तो अब ये जो गैमिटोजिनेसिस हुआ उसका मतलब क्या उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं ठीक है कहीं पर किन्हीं को दिक्कत बच्चे दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए यू आर द बेस्ट कमांडो ओके okay. तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ गैमिटोजिनेसिस सो बोथ माइटोसिस एंड म्योसिस प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द गैमिटोजिनेसिस हम लोग देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है एंड द रेस्ट फेज इज डिवाइडेड थ्रू द म्योसिस डिवीजन सो माइटोसिस एंड म्योसिस बोथ प्ले रोल इन दैमिटोजिनेसिस माइटोसिस प्रोवाइड द प्रिकर्सर सेल And meiosis bring about the reductional division and result into the gamete formation. Special cells, that is primordial germ cell in the gonads, divide, grow, divide again, and then differentiate into the gametes, as we have discussed in the both spermatogenesis and oogenesis. Sperm is produced in the testis, especially testis. mecaha In the seminiferous tubule. Seminiferous tubule. and ovum is produced in the ovary in human male gametogenesis continues constantly from puberty but in the female mitotic divisions take place take place before birth वो बर्थ से पहले एम्ब्रॉनिक कंडीशन में हो जाता है और ये एक कंडीशन आने के बाद मेनोपॉज हो जाने के बाद ओवम का प्रोडक्शन रुक जाता है लेकिन वहीं पर अगर हम लोग ह्यूमन्स की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस अप टू सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव ईयर्स एट्टी ईयर्स तक वो हो, होता है बट इन सच केसेस द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म इज नॉट वेरी मच गुड ठीक है चलिए और देख लेते हैं सो मोटिक डिविजन टेक प्लेस इन ए फ्यू उच मंथली साइकिल फ्रॉम प्यूवरटी दैट इज मेनार्केट टू मेनोपॉस ये भी हम लोग बात किए ठीक तो इस तरीके से हम लोग देखें कि किस तरीके से गैमेटोजिनेसिस स्पेमेटोजिनेसिस एंड ऊ के बारे में डिस्कस कर लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ दैट इज मैनसोल साइकिल तब तक पढ़ते रहे बच्चे हैवनाइ डे थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर With the other friends so that they may also get benefited from this lecture. Thank you.